हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में आपने देखा रहेगा कि भाई यहाँ पर मैं मुंबई सिटी की जर्सी पहन रहा हूँ, तो यार मुंबई सिटी के बारे में बात करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट मोहन बगान सुपर जायंट्स, बिकॉज भाई एज पर रिपोर्ट्स, जी हाँ, कई रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई दे हैव साइन ए लीग के लेजेंड प्लेयर जिसका नाम है जेमी मैक्लेरन। एंड आई गेस सबको पता है कि बहुत सारे टॉक्स चल रहे हैं कि शायद से या तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है कि भाई जेमी मैक्लेरन आ सकते हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स। तो यहाँ पर एज पर रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इट इज डन एंड डस्टेड। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है भाई, इसने लास्ट साल में लास्ट ईयर में कैसे परफॉर्म किया था बोथ इन एशिया, एंड क्या मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए ये प्लेयर सही रहेगा? आईएसएल की बात नहीं करो, लेकिन एशिया में क्या जेमी मैक्लेरन हेल्प करेंगे या फिर मोहन बगान सुपर जायंट्स को एशिया में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, आइए ये वाली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूज ये कहती है कि भाई जेमी मैक्लेरन हैज साइन द 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद मोहन बगान सुपर जायंट्स, इज अ सेंटर फॉरवर्ड एंड 30 साल का बंदा ही है। तो अगर आप बात करें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता भी है तो यहाँ पर 30 से 33 तक खेल सकता है। एंड जेमी के पास, जी हाँ, जेमी मैक्लेरन के पास ऑफर्स भी थे सऊदी क्लब्स के, लेकिन ही हैज चूज टू साइन फॉर मोहन बगान सुपर जायंट्स, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। एंड रिपोर्ट का सोर्स अगर आप बात करोगे तो एच संबंध प्रतिदिन, तो ये इससे सोर्स आया है कि भाई यस मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए ज्वाइन कर चुका है यहां पर जेमी मैक्लेरन। ऑब्वियसली ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन यस ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है। अभी अभी ये कहां से आया है या ये कहां पर खेल रहा था, तो भाई ये ए लीग में खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया की लीग में, जिसका क्लब का नाम है मेलबर्न सिटी। तो मेलबर्न सिटी यहां पर लास्ट टाइम 6th या 7th फिनिश की थी, लेकिन उसके स्टैट्स पे अगर आप बात करो तो ही इज अ सेंटर फॉरवर्ड, एंड लास्ट ईयर उसने 28 मैचेस खेले थे जिसमें 10 गोल्स एंड एक असिस्ट मारे थे, दस गोल एंड दो असिस्ट मारे थे। तो 28 मैच में 12 गोल्स प्लस असिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, विच इज मेरे हिसाब से डिसेंट। अभी आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया का लेवल क्या है, बट यार इफ यू आर अ सेंटर फॉरवर्ड तो यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 15 गोल्स, कम ऑन बाय 28 मैच अगर आप खेल रहे हो, 28 मैच तो यू नीड टू कम ऑन स्कोर बाय 15 टू 16 गोल्स मे बी, बट यार ये साइड से। अभी यहाँ पर बात आती कि यार देखो, चलो जेमी मैक्लेरन मोहन बगान सुपर जायंट्स को आईएसएल में तो हेल्प कर देंगे, बट क्या एशिया में हेल्प कर पाएंगे? क्या ये बंदे के पास एक्सपीरियंस है? क्या ये कभी एशिया में खेला है? जी हाँ, यहाँ पर जेमी मैक्लेरन खेल चुके हैं लास्ट 2 साल एएफसी चैंपियंस लीग में। अभी एएफसी चैंपियंस लीग में उनका क्या रिकॉर्ड है, आइए जानेंगे। तो लास्ट ईयर उनकी जो टीम थी मेलबर्न सिटी, तो वो फिनिश की थी 2nd पोजीशन पे इन द ग्रुप स्टेजेस विद 8 पॉइंट्स। एंड यहाँ पर अगर उनका स्टैट्स देखोगे तो लास्ट ईयर उसने 6 मैचेस खेले थे, उसने सिर्फ एक ही गोल मारा था। एंड अगर आप बताओ लास्ट टू लास्ट सीजन तो उसने 6 मैचेस खेले थे वन सेकेंड एंड उसने 2 गोल्स मारे थे। तो गोल्स को अगर आप देखोगे तो गोल्स ऑब्वियसली इतने ज्यादा है नहीं जेमी मैक्लेरन इन एशियन चैंपियंस लीग या तो एएफसी चैंपियंस लीग में, लेकिन एक्सपीरियंस तो बोल सकते हैं। एंड आई गेस वही जो एएफसी चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि यार मोहन बगान सुपर जायंट्स में लाके ही कैन पुट वैल्यू। एंड लेट्स सी भाई, लाइक ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन तो हो ही रहा है भाई, डीमी बेटरॉस, जेमी मैक्लेरन, फिर व्हाट इज इट अपना जेसन कमिंग्स, तो भाई फुल ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन चल रहा है यहाँ पर मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए। आईएसएल में नो डाउट भाई, मेरे को तो लगता है कि आईएसएल में बहुत अच्छा स्ट्राइकर होगा, मे बी भाई टॉप गोल स्कोर के लिए फिर से दावेदार हो सकता है वंस अगेन फ्रॉम मोहन बगान सुपर जायंट्स। बट यहाँ पर यह देखने लायक होगा कि एएफसी चैंपियंस लीग में जो सेकंड टायर जिसमें मोहन बगान खेलने वाले, तो वहां पर क्या इंपैक्ट डाल पाएगा। एंड लाइक अगर मेरे लिए वो बंदा इंपैक्ट वहां पर डालता है, एशिया में इंपैक्ट डालता है मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए, आईएसएल में पूरा फ्लॉप हो जाता है, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज ऑब्वियसली मोहन बगान सुपर जायंट्स को एशिया में अच्छा करना है, आईएसएल में तो कर दिया है, एशिया में उन्हें अच्छा करना है। तो भाई ये टॉक्स थे यार, ये थोड़े जेमी मैक्लेरन के बारे में था। अभी न्यूज तो आ चुकी है, एज पर जैसे कि मैंने बोला न्यूज का सोर्स मैंने बताया है, लेट्स सी कि आप आगे इन द कमिंग डेज में क्या पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अभी तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है, बट इन द कमिंग डेज और भी ऑफिशियल न्यूज या तो बहुत और भी सारे न्यूज आ जाएंगे। तो भाई आप लोग जरूर बताना भाई कि आप लोग क्या लगता है कि जेमी मैक्लेरन क्या हेल्प कर पाएंगे मोहन बगान सुपर जायंट्स को या नहीं कर पाएंगे। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।